नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। हरियाणा के यमुनानगर में पश्चिमी यमुना नहर से दो युवकों के शव बरामद हुए। दोनों युवक बाड़ी माजरा में रह रहे थे। युवक अमन, जहां दो दिन पहले पाप फिसलने से पानी में बह गया था, वहीं दूसरे युवक अंकित ने परिजनों से कहा सुनी के बाद नहर में छलांग लगा दी थी। दोनों के शवों को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। यूपी के सरसावा का रहने वाला 20 वर्षीय अमन फिलहाल अपनी बहन और बहनोई के पास बाड़ी माजरा में स्कूल के पास रह रहा था। वो एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था। परसों वो अपने दोस्त के साथ पश्चिमी यमुना नहर में नहाने के लिए आया था। अमन पानी में तैरना नहीं जानता था। वो पत्थर पर खड़ा होकर नहा रहा था तो उसका अचानक से पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में चला गया। तभी से उसके शव की तलाश की जा रही थी। दूसरी तरफ अंकित का शव भी नहर से मिला है। अंकित बाड़ी माजरा के रूप नगर कॉलोनी का रहने वाला था। मृतक घरों में बिजली ठीक करने का काम करता था। परसों परिवार के साथ मामूली कहासुनी के बाद उसने हमीदा हेड पर जाकर पश्चिमी यमुना नहर में छलांग लगा दी थी। गोताखोरों ने हमीदा हेड से उसका शव बरामद किया है। थाना यमुना नगर सदर के जांच अधिकारी अशोक कुमार ने बताया कि हमीदा हेड से थोड़ी आगे पश्चिमी यमुना नहर के किनारे एक डेड बॉडी बरामद हुई है। वो अंकित की है। उसकी आयु 20 से 22 वर्ष के लगभग है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाने के लिए यमुनानगर के सिविल अस्पताल भेज दिया है और आगे इस मामले में जांच की जा रही है। यमुनानगर से हमारे संवाददाता राजीव जौली की रिपोर्ट। मेरा नाम शिव कुमार है। शिव कुमार जी, ये हुआ क्या यमुना पे हादसा? ये लड़का अपने सिस्टर के यहाँ रहता था और यही काम करता था यमुनानगर में, बाड़ी माजरा में। रमन इसका नाम है और इसके फादर का नाम है श्री ब्रह्मपाल जी, निवासी किशनपुरा मजरा धोलापड़ा थाना सरसा जी। ठीक है सर, तो ये नहाने के लिए गया था। कब गया था नहाने के लिए? ये आज तारीख हो गया 19 की बात है, 3:30 बजे के लगभग। और इसका पैर फिसल गया, पत्थर के ऊपर खड़ा हुआ था और ये यमुना में डूब के मर गया। तो सर क्या काम करता है ये? प्लाई फैक्ट्री में काम करता था। तो यहाँ किसके पास रहता था, कहाँ रहता? ये अपने सिस्टर के पास रहता था, बाड़ी में। तो आज पता कैसे लगा कि ये यमुना? हमने परसों से जैसे हमें सूचना मिली है, दूसरा लड़का भी इसके साथ था, उसने सूचना हम लोगों को दी, परिवार वालों को, भाई ऐसे ऐसे कर कर अमन का पैर फिसल गया या वो डूब गया। तो हम सब परिवार वाले या जितने भी रिश्तेदार थे वो सब यहाँ पे आए, इकट्ठा हो गए। फिर हमने थोड़ा थोड़ा दूरी पे यहाँ से ले गए, आगे जहाँ हेड बना हुआ है यमुना पे, वहाँ से ले गए और जहाँ ये डूबा था जगह जगह पे अपने आदमी बैठाए हुए थे, जैसे कि जैसे ही बॉडी बाहर निकले और हमें वो दिखाई दे तो हम उसको बाहर निकाल के उसके जो भी रस्म रिवाज है संस्कार उसका क्या जाता है। गोताखोरों की भी सहायता ली जा रही थी? बिल्कुल, राजीव जी आए हैं अपनी पूरी टीम के साथ। एक राजीव जी गोताखोर हैं यहाँ से, यमुनानगर से, उनका बहुत सहयोग हमें मिला है। और एक उनके उस्ताद जी भी, इनका मैं नाम जानता नहीं, उन्होंने हमें भरपूर सहयोग दिया है और हरियाणा पुलिस ने भी हमें बहुत सहयोग दिया है। हरियाणा पुलिस भी हमारे साथ रही है। उन्होंने कहा भी जो भी हमारे साथ मदद चाहते हो हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। पुलिस शाम तक हमारे साथ रही और कल भी पुलिस रही है। आप बताओ हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं। तो हरियाणा पुलिस का और हरियाणा सरकार का और यहाँ के जो लोकल गोताखोर हैं यमुना नदी के, उनका, उन्होंने हमारी बॉडी को निकलवाने के लिए, ढूंढने के लिए अथक प्रयास किया। हम उनका सबका धन्यवाद कर सकते हैं। बस इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं। गुड्डू जी, हुआ क्या यहाँ पश्चिम में? कुछ नहीं, हमारा सारा है। क्या नाम है? अंकित। कितनी उम्र है? 20 साल। तो डेथ कैसे हुई है? थोड़ा झगड़ा करके लिखा होता जब हम कैसा तो ये क्या काम करता था? ये बिजली का मिस्त्री था, पंखे पंखे नहीं हुआ। तो आज कैसे पता लगा इसकी बॉडी के बारे में? सर वो राजीव जी है गोताखोर, उन्होंने फ़ोन करा जी हमारे पास, कहते सर यहाँ डेड बॉडी मिली है हमारे पास। तो परिवार में इनके और कौन कौन? परिवार में इनकी मम्मी जी है जी, बड़ा भाई है जी, भाभी है। तो यहाँ कहाँ रहते हैं? यमुनानगर में, रूपनगर कॉलोनी में जी। तुम्हें कॉलर ने फोन करके बताया था कि यहाँ पर एक शव मिला है, तो हमें कॉल आई, उसके दौरान हम यहाँ पे पहुँचे हैं। देख रहे हैं यहाँ पर, पता चला कि ये अमन नाम का लड़का था, 2-3 दिन से लापता था। बोल रहे थे कि नहाने के लिए गया था लेकिन अभी होने की पहचान हो गई है। परिवार वाले लेकर जा चुके हैं, परिवार वाले सबको लेकर जा चुके हैं, हॉस्पिटल में जा रही है। पश्चिमी यमुना हमें एक डेड बॉडी की सूचना मिली थी जो मौके पर आए और ये इनकी डेड बॉडी की शिनाख्त हो गई है जी। सिविल हॉस्पिटल में जाएंगे पोस्टमार्टम के लिए। तो सर क्या नाम है इसका, मृतक का? मृतक का नाम अंकित।
हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।